الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مَنْ जब दहलीज़ को आका चूमा मैंने जब आप की दहलीज को आका चूमा यू आपने जैसे मेरा माथा चुमा चूमा यू आपने जैसे मेरा माथा चूमा होठ फार हुए पल भर को ना मेरी होंठ फर्ग हुए पल भर कोनों आंखें मेरी कभी जाली कभी पर्दा कभी रोजा चू कभी जाली कभी पर्दा कभी रोजा चूमा। और शहद सा दो gaya hê meri şreyanu me Şehid -e sa dolde gaya hê meri

और उनके कदमों की तरफ ले गए जब हो मुझे उनके कदमों की तरफ ले गए जब हो मुझे तो होट भी नक्ष कदम बन गए इतना चूमा ठ भी नक्ष कदम बन गए इतना चूमा मैं बताता तुम्हें के नवरदी क्या है एक आहट के लिए सारा मदीना दीना चूमा एक आहट के लिए सारा मदीना चूमा मैंने जब आप की को आका छूमा लगा आपने जैसे मेरा माथा था चूमा जैसा गला

സൈദീന മൗലാന സൈദീന മൗലാന വൈദീന സൈദത്തിന فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين سبحان الله وبحمده عدد خلقه سيدنا نفسه سبحان الله وبحمده عدد خلقه وردا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم من بالعلم والعلم والحلم والحكم وبارك وسلم

ईमान वालों का साथ बहुत बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह करीम गोशा नूर के इस प्लेटफॉर्म पर अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह वसल्लम से मोहब्बत करने वाली इन तमाम खातिन को शाद रखे आबाद रखे जो इतने शॉर्ट नोटिस पर अल्हम्दुलिल्लाह इस गोशा नूर में आन बैठी अल्लाह करीम इस महफिल को कबूल फरमा और और उसको नवाज दे आज की रात मेरा मालिक अपनी रहमतों से हमारी झोलियों को भर दे ईमान की बेहतरीन दौलत नसीब फरमा दे हमारे सीनों को صدر نصيب فرما میرا الله ہے من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يُذِلَّهُ يجعل صدره زيقا حرجا كأنما ذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون और जिसे अल्लाह राह दिखाना चाहे इसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसे गुमराह करना चाहे इसका सीना तंग खूब रुका हुआ कर देता है गोया किसी की जबरदस्ती गोया जैसे कोई जबरदस्ती आसमान की जानब चढ़ रहा है अल्लाह ही अदाब में मुबतला कर देता है ईमान ना लाने वालों को। और जब सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है तो फिर अल्लाह की बातें सुनने को जी चाहता है फिर अल्लाह की बातें करने वालों की संगत इंसान इख्तियार करने के लिए भागता है दौड़ता है उसको वो खुशबू पहचान लेता है उस खुशबू को जिसमें रब की मोहब्बत अकाल सलात वसलाम की चाहत होती है वो फिर उन सांसों को भी पहचानता है और ढूंढता ढूंढता उनका दामन पकड़े वो अपनी मंजिल की जानी रवा हो जाता है हमारी मंजिल हमारे सफ़ीने की हमारे काफले की मंजिल एक ही मंजिल है और वो है मेरी बीबी सैदा तो के केदमैन मुबारक हम तमाम खातिन बीबी सैदा फातमा तो जहरा की माइत चाहती हैं इस जहाँ में भी और अगली दुनिया में भी गोशा नूर का ये काफला जब हमने इसके बारे में सोचा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर खात वो खवातीन जो अपने रब को पाना चाहती हैं वो खात जिनके दिल में रब की मोहब्बत है और वो इस मोहब्बत की तपश में अंदर ही अंदर जलती हैं और उनको नहीं समझ आती कि इस मोहब्बत से उन्होंने अपने वजूद को सरशार और मुनवर कैसे रखना है क्योंकि मोहब्बत की लो एक नन्नी सी जिसको कहते हैं ना एक मोमबत्ती की जो लो होती है उसकी तरह होती है इसको बड़ी हिफाजत की जरूरत होती है जब ये कहीं पर शमा रोशन हो जाती है तो फिर जो हवाओं के थपेड़े हैं ना वो हर वक्त इसको बुझा देना चाहते हैं और एक औरत उसके लिए इस शमा को कैसे इसकी हफाजत करे और कैसे इसकी लॉ को बढ़ाए और कैसे जला बख्शे अपने ईमान को यह तमाम आ, हमारा फोकस था हमारा टारगेट था कि हम इस पे काम करेंगे हम मोहब्बतों पे काम करेंगे हम इबादत की कसरत की बजाय इबादत के वजन की बात करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमें मौका दिया हमने इसकी बुनियाद रखी और आज की रात कहा जाता है ना कि शब्बे मेरा ये शब बरात की रात फैसले होते हैं रिस्क लिखा जाता है दो मल्ला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी रूह का रिस्क बढ़ा दे हम हम अपने जिस्मों के रिस्क के लिए तो रोज दुआएं करते हैं ना तो आज हम जिस्मों के रिस्क के लिए भी दुआ करेंगे अल्लाह से और अपनी रूह के रिस्क के लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी रूह के रिस्क में बरकत डाल दे जो भी इबादत हम करें उसका मतम नजर उसका मकसद और उसका फोकस ये सब अगर ठीक होगा तो वो इबादत काबिल कबूल होती है वरना इबादतें तो शैतान ने भी बहुत की थी बड़ा आबद था शैतान इबलीस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो खूबियां थी बड़ी वो इल्म वाला बहुत था इल्म बड़ा था उसके पास और इबादत गुजार भी बहुत था लेकिन वो रादा दरगाह हो गया क्यों हुआ रांद दरगाह बताए मुझे इल्म भी है और इबादत भी है और जब हम ये समझते हैं या ये, ये सोच लेते हैं कि हमारे अंदर एक चिंगारी ईमान की रोशन होती है हमें तंग करती है और हम सोचते हैं नहीं हमें अपनी असलाह करनी चाहिए हमें अपनी आखरत ते, की तैयारी करनी चाहिए और हमें एक बहुत अच्छा सा मुसलमान बन जाना चाहिए जब हम ये बात सोच लेते हैं तो हमारे हमारे दो ही फोकस होते हैं एक ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से हम इल्म हासिल कर लें बहुत सारा हम कुरान पढ़ लें तर्जमा पढ़ लें तफसीर पढ़ लें हदीस पढ़ लें फिका पढ़ लें बस बहुत सारा हम इल्म हासिल करना चाहते हैं और दूसरा हमारा फोकस ये होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से बहुत ज्यादा इबादात करें कसरत हम्म ये दो फोकस होते हैं हमारे लेकिन हमें ये नहीं पता कि मकसद ये नहीं है मकसद क्या है मकसद ये है कि जो मेरे रब ने कहा ना ये सुरह नाम की आय जो अभी मैंने पढ़ी इसमें अल्लाह कहता है कि मैं शरा सदर नसीब कर देता हूँ तो ये शरा सदर जो है ना ये हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा सीना दीन इस्लाम के लिए अल्लाह खोल दे जिसका दिल खुल जाता है अल्लाह के अल्लाह ताला जिसके सीने को खोल देता है दीन इस्लाम के लिए जिसको शरा सदर नसीब हो जाती है उसकी फिर जिंदगी बदल जाती है उसका फोकस बदल जाता है उसकी सोचें बदल जाती हैं, फिर वो इकबाली बजरम बन जाता है फिर वो दीवाना हो जाता है फिर वो सर पटखता है अल्लाह मैं अपने आप को सुधार क्यों नहीं पा रहा फिर वो मुतम नहीं होता फिर उसकी इबादतें तकबर नहीं पैदा करती फिर उसकी दुआएं बदल जाती हैं, फिर वो दुनिया के लिए दुआएं नहीं करता फिर वो कहता है अल्लाह ये जो दिल में शमा जला दी है ना इस शमा को सलामत रखना ईमान की सलामती के साथ मैं इस दुनिया की कैद खाने से इस दुनिया के इम्तिहान का ईमान की सलामती से निकल जाऊं क्योंकि ईमान सलामत लेके जाना आसान नहीं और ईमान इश्क के बगैर सलामत रहे ये मुमकिन नहीं ये असूल है ये असूल की बात क्योंकि शैतान के पास तो इल्म भी था और वो आबद भी था लेकिन इश्क नहीं था उसके पास मोहब्बत नहीं थी उसके पास और मोहब्बत से खाली इबादत बेरूह होती है और आज जो जिस दिन की मुनासिबत से हम जहा इकट्ठे हुए हैं वो अः बात शुरू करने से पहले हमें पहले मिराज नबी पे भी हमने जब बात की थी तो हमें बात शुरू करने से पहले अपनी सफाइया देनी पड़ती हैं कि हम मनाएं? हम बार नबी क्यों मनाए हम अः आका की पैदाइश की खुशियाँ क्यों मनाए क्योंकि इतना अबहम फैल चुका है हमारे इर्द गिर्द इतना अबहम फैल चुका है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि सच किधर है और झूठ किधर है सब कुछ मिक्स हो गया तो हमें अल्लाह से ये दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें शरा सदर नसीब फरमा और हमें सच्चों के साथ जो हक पे है उनके साथ जोड़ी रखना और हम तेरे दीन का रास्ता गुम न कर बैठे नफली इबादात को बिदत का नाम दिया जा रहा नफल इबादत जो है वो तो आप कभी भी कर सकते हैं कोई भी नहीं कहता कि इन रातों की इबादत फर्ज है कोई भी नहीं कहता जो ईशा पढ़ के सो गया सुबह उठा तो उसकी तो पूरी रात इबादत में है और ये जो खास रातें हैं जिनका हमें अहादीत से सबूत मिलता है कि ये कुछ खास रातें हैं तो इन खास रातों में नफल इबादत करना अल्लाह के कुर्ब को पाना है अल्लाह को राजी करना जिससे मोहब्बत हो जाए उसका उससे तो जी चाहता है ना उसके तो इंसान बहाने ढूंढता है कि कब कब हमें मौका मिले कि हम बैठ जाए अपने महबूब से बातें करने कब कब हमें ऐसा आ, कोई मिल जाए जरिया मिल जाए कोई वक्त मिल जाए कोई सबूत मिल जाए कोई छोटा सा आ, कोई बहाना ही मिल जाए कि हम अपने महबूब से बात कर सकें ये मोहब्बत की बातें हैं नफल इबादत मोहब्बत की इबादतें होती हैं और मोहब्बतों के लिए कोई दलीलें नहीं होती और अल्हम्दुलिल्लाह ला शब बारात के बारे में हमारे पास तवातर से अदीस मौजूद है और इसके बारे में जो अदीस मौजूद है उनके ऊपर जो एतराज़ किया जाता है वो ये किया जाता है कि ये जयीफ़ अदीस है अच्छा उसके बारे में भी आ, हम देख लेंगे कि जो जयीफ़ हदीस है हमें ये पता है जिन लोगों ने इस्लाम को स्टडी किया है उन्हें ये बात मालूम होगी कि जयीफ हदीस का मतलब ये नहीं होता कि हम उससे इस्तदलाल नहीं ले सकते जयीफ हदीस को रद्द नहीं किया जाता और जयीफ हदीस जो है अगर एक ही मौजू पर हमें मुख्तिफ़ कराम से एक ही मौजू पर अः जयीफ मिले यानी एक से ज्यादा तो उसका दर्जा जो है वो हसन का हो जाता है वो आ, अपने यानी लेवल में अपनी क्या कहना चाहिए अपने वजन में वो बढ़ जाती जो है जो हदीस के क्राइटेरिया है ना उसमें होता है ना यह हसन है यह और और फिर फजीलत के बयान में तमाम मुहदसिन का इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक है कि फजीलत के बयान में ज़ईफ़ हदीस को लिया जाता है उसमें कोई आ, किसी के भी कोई इख्तलाफ राय नहीं है और हमें जो अहदीस मिलती हैं शब बारात के बारे में वो एक से ज्यादा अह मुफस्सरीन जो मुहदीस हैं उनसे मिलती हैं और امام তিরमी नसाई इब्ने माजा अहमद बिन हंबल इब्ने हयान तिबरानी बेकही इन तमाम जो आइमा क़राम हैं इन्होंने इसके बारे में आ, ये जो पंद्रह शबान की जो रात है इसके बारे में अहदीस जो है वो अपनी अपनी जग किताबों में नकल की है अकलाम ने फरमाया था जब शबान का महीना आ जाए तो अपने नफ्सों को मुबारक के लिए पाक करो तो ये तो शबान का महीना आते ही हमें अपनी जात पे काम करने का हुक्म दे दिया गया ये तो पूरे का पूरा महीना ही जदोजहद का महीना है कोशिश का महीना है कि हम स्ट्रगल शुरू कर देते हैं और शबान में हम स्ट्रगल करते रहते हैं और रमजान बारिक जब शुरू होता है तो फिर तो शातिन कैद हो जाते हैं रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं फिर तो आसानियाँ ही आसानी होती है लेकिन अल्लाह ये चाहता है मेरे आकासलम ये चाहते हैं कि उस महीने में दाखिल होने से पहले हम अच्छी सी तैयारी कर ले ताकि जब वो लूट से लगी होने क्योंकि जब करम ही करम की बारिश हो रही हो तो हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो दामन है अपने जो कल्ब की सरजमीन है उस ज्यादा से ज्यादा हम उसको सैराब कर सकें अपने दामन की वस्त को बढ़ा लें और अपने दामन की वस्त को हम शबान में बल्कि हमने तो रजब से तैयारी शुरू कर देते हैं ना रजब से हमें कहा गया हम रजब से तैयारियां शुरू कर देते हैं अपनी बातन की असलाह पर और बातन की असलाह आसान काम नहीं है ये लफ्जों में कह देना बड़ा हल्का है लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा है अपने कल्ब और रूह की बीमारियों से छुटकारा पाना इंतहाई मुश्किल है इंतहाई मुश्किल है ऐसे तो नहीं इसको कहा गया था कि ये जहाद अकबर है बहुत मुश्किल है और इन तैयारियों में हम लग जाते हैं फिर दरमियान में रातें आती हैं खास खास रातें आ जाती है महराज नबी की रात आ गई शब्बे बरात की रात आ गई तो हमें पता चला ये छोटे छोटे पड़ाव है ये छोटी छोटी लूट से ले हैं जिनमें हमने बैठ जाना है पड़ाव डाल लेना है और और बैठ के फिर रब से गिर करनी है हमने रब को पुकारना है रब के आगे रोना है रब से अपनी अपनी जो क्या कहना चाहिए अपनी फरमाइशें मनवानी और पहले हम चंद अदीस को देखेंगे हमने इसकी अहमियत को देख लिया जिन क़राम ने इस रात की अहमियत के बारे में हदीसें नकल की हैं उनमें हजरत सयदना अबू बकरशा हजरत अमर बिन आस मास बिन जबल और अबू हरारा जैसे अकाबर साहब कराम शामिल है और इसके अलावा और भी साहबा है लेकिन मैंने यहाँ पर चंद जो बड़े बड़े नाम है वो यहाँ नोट किए इस रात में इबादात करना जिक्र असकार करना जो हमारे अकाबर उलमा है उनसे भी साबित है सहाय सिता में पूरे का पूरा जो बाब है इसके बारे में वो लिखा गया है जिसका नाम है के शाबान की पंद्रहवीं रात के उनवान से बाब जो है वो मौजूद है बाब मिन जाते निस्फे शाबान इस नाम से बाब मौजूद है अगर इस रात की कोई अहमियत होती ना कतन भी ना होती तो मुझे बताएं कि सहाय सिता में इस उनवान से बाब होता नफल इबादत के ऊपर इतने इतनेजात इतने एतराजात नफल इबादत बताएं किसको बुरी लगेगी कौन है जो ये चाहता है कि नफल इबादत ना की जाए नफल तो नफल है वो तो कोई जब भी करे उसके ऊपर दलायल देना और दलायल क्या है कि आप इसको फर्ज समझ के कर रहे हैं जो कर रहे हैं पहले उससे तो पूछ लो कि तुम क्यों कर रहे हो भाई तुम फर्ज समझ के कर रहे हो तो ये आ, कभी कभी मुझे वो बात बड़ी याद आती है हमारे एक टीचर थे वो कहा करते थे कि अल्लाह की नेमतों की कदर किया करो जब तुम अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते ना तो अल्लाह अपनी नेमतें वापस ले लेता है तो शायद हमसे भी कुछ बेकदरियां हो गई थी इन खास अयाम की जो ये रफ्ता रफ्ता हमारे घरों से हमारे दिलों से हमारे मुशरे से अल्लाह ये वापस उठा रहा है ये मोहब्बतें हमसे अल्लाह वापस ले रहे है बड़े तमाम लोग करते थे आज शक में पड़े हुए आज बहस में पड़े हुए तो अल्लाह तला हमें कदरदानों में रखे ही ये वाले जो आय कराम है ये खुद भी इस रात में इबादत किया करते थे और रोजा रखा करते थे और उम्मत की मफरत के लिए भी दुआएं किया करते थे दस से ज्यादा सहाबा कर मुख्तलिफ असनाद के साथ दर्जनों अदीस नब्ब शाबान के बारे में रकम की है ठीक है दस से ज्यादा सहाबा कर इसके अलावा हजरत अबू बकर सदीक तो अल्लाह और वो मुश्रक और अपने भाई से अदावत रखने वाले के सिवा अपने बंदों की बख्शिश फरमा देता है अब देखें ये मुकम्मल जितनी भी हम अभी हम अहादीस पढ़ेंगे ना ये सारी की सारी फजीलत तो के बयान में आती है ये सारी की सारी ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर कोई फिका का कानून है जिन जयीफ हदीसों के ऊपर कोई असूल फिका मुरतब किया जाना होता है उसके ऊपर जो है उल्मा कराम कहते हैं कि अः जयीफ हदीस से इस्तला लेने से वो मना करते हैं और जब अः उसकी बात आती है, की बात आती आती है, है, की तो फिर उससे इबन माजा में शबान में हसरत अली करमला वजहों से मरवी हदीस है के आका सलात वसलाम ने फरमाया जब शबान की पंद्रवी शब हो तो तुम इसकी रात को कयाम किया करो और इसके दिन में रोजा रखा करो बेषक अल्लाह ताला इस दिन तरूब आफताब के वक्त आसमान दुनिया में नजूल फरमाता है और कहता है कि कोई मगफरत तलब कर... है कोई महफरत तलब करने वाला ताकि मैं इसको बख्श दू है कोई रिस्क को तलब करने वाला कि मैं उसको रिस्क दू कोई बीमारी में मुबतला के मैं इसको आफियत दू यहाँ तक के तलु फजर हो जाती है अल्लाह तो हर रात ही आता है आसमानों पे आसमाने दुनिया पे लेकिन वो क्या कब आता है पिछले पे है और ये जो रात है इसमें गुरुब आफ्ताब के साथ ही अल्लाह ताला आ जाता है यानी दुरानिया बढ़ गया हमारी जो रजू इलल, इलल, है यानी अल्लाह की तरफ जो हमारे कल्ब का रजू है वो मगरिब के साथ ही हो जाना चाहिए मगरिब के साथ ही अगर हम घर के भी काम कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां भी अदा कर रहे हैं तो दिल ही दिल में हमें अपने रब के साथ में है कि रजी है कि एक रात मैंने सरकार को तो अपने बिस्तर पर ना पाया मैं आप सल्लाम को तलाश करने निकली तो क्या देखती हूँ आप जन्नतबकी में आप सल्लाम ने फरमाया क्या तुम्हे ये खौफ है कि और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ नासाफी करेंगे मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैंने सोचा शायद आप किसी दूसरी जौजा के पास तशरीफ ले गए हैं आप अलैहि आल सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला पंद्रहवीं शबान को आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है और कब, कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफरत फरमाता है और आप देखें कि जब अल्लाह मगफरत फरमा रहा है तो हमें उस वक्त अल्लाह के पास क्या करने के लिए जाना चाहिए उस वक्त हमें अपने गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह के हजूर हाजिर होना चाहिए कि अल्लाह कोई ऐसा गुनाह जो हमारी मत की राह में हायल है हम तुझ से उसकी माफी चाहते हैं इसलिए इसको शब्बे ब कहा जाता है ना बारात का मतलब होता है ला तल्लुकी कतलुकी काजहार करना तो इस शब्द मोमिन जो है वो अपने गुनाहों से बरात का इजहार करता है इकरार करता है कि अल्लाह मेरे से ये गुनाह हो गए और तू मुझे माफ कर दे तू मुझे इससे छुटकारा दे दे मुझे इससे बरात और इस वजह तो से बरात कहा जाता है अपने गुनाहों से बरात का ऐलान ला का ऐलान अपने गुनाहों की माफी और फिर तो अल्लाह कहना है कि अल्लाह मैं मुझे तो माफ कर दे और मेरा इससे ताल्लुक जो है मेरी आदतों से अल्लाह खत्म हो जाए और इसीलिए आप देखें कि अभी हम और अदीस में भी देखते हैं कि अल्लाह ताला बख्श देता है किन को नहीं बख्शता मुख्तलिफ़ अहादीस में मुख्तलिफ निशानियां हमें बताई जाती है और उसमें हमें पता चलता है कि अल्लाह दिल में कीना और बोगज रखने वाले को भी नहीं बख्शता इसलिए इसको जो है वो तोबा की रात भी कहा जाता है क्योंकि इस रात हमने अल्लाह से माफिया मांगनी होती है कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे और हमें बख्श दे और हमारी जो रूह है इसकी सारी की सारी स्याही इसकी सारी की सारी कदूरत इसकी कल भी बीमारियों में है सबसे मुसलमान को क्यों कहा गया कि मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है इसलिए कि नियतों का जो वबाल होता है उस उससे हमारे अमल खराब हो जाते हैं बर्बाद हो जाते हैं बाहर अमल ठीक होता है लेकिन नियत ठीक नहीं होती तो उसका वबाल बड़ा बुरा पड़ता है हम पे तो इसलिए मोमिन जो है उसकी नियत की बड़ी हिफाजत है अगर उसकी नियत दुरुस्त है तो उसके बेड़े पार अगर नीयत दुरुस्त है तो उसकी तमाम कलबी और रूहानी बीमारियां आप ही आप वो उनसे छुटकारा पा लेते हैं अपनी मौत आप मच जाती है ये रूहानी और कलबी बीमारियां ये बुबस ये कीना ये तकबर ये गुरू ये ऐसी हमारी क्या कहना चाहिए कि हमारे वजूद के अंदर पेवस्त हुई हुई बीमारियां और इनसे ये हमारे खून में दौड़ती हैं कह लो कि ये इतनी हमारे अंदर सराहियत कर गई हैं ये बीमारियां इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें इतनी जहन मुसलसल चाहिए देखें कोई जाहिर का गुना छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन बातन की सफाई बातन की की बहुत मुश्किल है बेहद मुश्किल है और इसके लिए हमें खासुल, खास हम क्या इसीलिए तो जो अहले सलूक है वो क्यों इतना ज्यादा तन की इबादत पर जोर देते हैं कि ये वाली जो जितनी रूहानी बीमारियां ना ये सारी की सारी तन्हाई के आंसुओं से धुलती हैं ये और आप दिन की इबादत में जितनी भी कसरत कर लें, ये नहीं धुलते इनके लिए नदामत के आंसू और वो भी पिछले पहल छुप के और उसका एहसास उसी को होता है जिसको अल्लाह दीन की समझ दे देता है जब अल्लाह दीन की समझ दे देता है तो फिर अपने आप बड़े बड़े दिखाई देते हैं फिर बंदा हर वक्त भागा फिरता है ये किसी तरह से ये मेरे ऐब मेरे से छुट जाए वो नहीं छूटते वो सुबह से शाम मुझे शैतान ने कहा था ना ये ऐसे ही तो नहीं उसने चैलेंज किया था तो उसको बड़ी कुत दी गई है शैतान के पास थो, थोड़ा इख्तियार नहीं है बड़ा इख्तियार है उसके पास और आज तो शैतान का दौर है आज तो यानी फित्री का दौर है ये जो जो हम अकाल सलाम के दौर से दूर होते चले जाते हैं बरकते नबी कम होती जाती है ये जो हमें कहा जाता है ना कि हमारे जो बड़े थे हमारे जो असलाफ थे वो बड़े गुमराह थे उनको तो कोई इलम ही नहीं था बिल्कुल बेदीन थे जाहल थे हम बड़े अकल वाले हैं ऐसा नहीं है वो हमसे ज्यादा अच्छे थे उनके पास ईमान था उनके पास दीन की मोहब्बत थी दीन का अदब था आज हमारे पास इलम की बड़ी भरमार है लेकिन मोहब्बत नहीं है हम अमल नहीं है ईमान भी कहीं बस ढूंढे से ही निकालना पड़ता है अंदर से तो ये बहुत मुश्किल वक्त है ये फितने का दौर है और इस फितने के दौर में हमें अपना ईमान बचाने के लिए खास तौर पे अपनी अपनी जो कल भी है उस पर मेहनत की जरूरत है बहुत ज्यादा मेहनत की थोड़ी नहीं बहुत मेहनत की फिर कहीं जाके हम वो रोशनी वो लो जो है ना उसकी हिफाजत कर सकते हैं हम देखते हैं किबन रजब हमली इनका दौर है जी 795 हिजरी इनका दौर है और ये अपने वक्त के बहुत आ, बड़े उल्मा में इनका शुमार होता था इनकी किताबें हमें मिलती हैं लतफुलमारफ एक किताब है इनकी उसमें इन्होंने लिखा है कि अहले शाम में जलील कदर मसलन मसला खालद बिन मादान लुकमान बिन आमर वगैरह शाबान की पंद्रहवीं शब की बड़ी तज़ीम फरमाया करते थे और इस शब बहुत ज्यादा इबादत किया करते थे इन्हीं हजरात में से लोगों ने शब बारत की फजीलत को जाना बहुत से सहबा क्राम से जो अहदीस हैं बहुत से मुख्तिफ सब ने अः शाबान के बारे में मुख्तलिफ अहादीस जो है वो रवायत की है और उनके बारे में भी हमने देख लिया इसके अलावा कुरान करीम की जो एक आयत है सुर दुखान की आयत उसकी तफसीर में मुफसरीन कराम लिखते हैं कि ये जिस रात की जाने विशारा है ये भी शाबान की पंद्रहवीं रात थी आ, आयत नंबर पाँच है फी हा युफ्र युफ्राको कुल्लु अमरिन हक, हकीम अमर इन्ना कुन्ना मुरसलीम इसमें बाढ़ दिया इसमें बांट दिया जाता है हर हमत वाला काम हमारे हुक्म से बेशक हम भेजने वाले हैं और भेजने वाले से क्या मुराद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने वाले किसकी आवाज आ रही है पता नहीं बाजी मैं बार बार म्यूट करती हूँ लेकिन कुछ बहनें बार बार अनम्यूट कर देती हैं अच्छा हम देख रहे थे सूर्य दुखान की आयत को आउज बिल्लाशी का उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम हमारे हुकम से है। अब्दुल्ला बिन फरमाते हैं कि लोगों के अमूर का फैसला नबान की रात को कर दिया जाता है और शब कदर में यह फैसला उन फरिश्तों के कर दिया है जो इन अमूर को सर अंजाम देते हैं कि पंद्रह शाबान की रात अच्छा अभी इसकी जो तफसील जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है मैं आपको मुख्तर खुलासा बयान करूँगी उन अदीस से जो हम कराम ने जो इसका एसेंस जो इसका निचोड़ निकाला है तमाम हदीसों से वो ये है कि इस शब पंद्रह शबान की शब लोहे महफूज से इंसानों के फैसले वो तमाम फैसले उनकी जिंदगी उनका रिस्क उनकी मौत एवरीथिंग उनकी शादियाँ कौन से बच्चे पैदा होने हैं कितना रिस्क लिखा जाना है किसके लिए किसके साथ क्या अच्छा क्या बुरा जो भी होना है सब कुछ लोहे महफूज में सबकी तकदीरें लिखी हुई हैं, ठीक है और तकदीरों के बारे में हमें मालूम है कि एक तकदीर मुतलिक है और एक तकदीर मुअल्लक है अच्छा ये जो तमाम फैसले हैं ये लोहे महफूज से शाबान की शब्द जो पंद्रह शाबान की रात है ये लोहे महफूज से आसमान पर मुंतकिल किए जाते हैं अच्छा अब जो हमारे उस्तादों ने हमें बताया इन अहादीस और इस बारे में जो मुफसरी ने लिखा है उसकी रोशनी में कि वहां से जब ये मुंतकिल कर दिए जाते हैं फिर ललाकदर तक का टाइम होता है हमारे पास यानी पंद्रह शाबान से लेके रमजानुल मुबारक हमारे पास है पूरा महीना हमें यानी उस उतनी देर तक ये सब जो है ना फाइनलाइज होना होता है और इसीलिए हम कॉन्शियस हो जाते हैं इस रात हम बहुत दुआएं करते हैं और हम अपनी रूह को पाक करते हैं इस रात कहते हैं ना कि इस रात हम अपनी रूह को घुसल देते हैं और ये हुसल जो है ये नदामत के आंसुओं से दिया जाता है और अल्लाह के आगे रोते हैं कि अल्लाह हमसे जो गुनाह कोताहियाँ और दिलों में छुपे गुनाह पोशीदा जहरी जो भी मालिक माफ करते क्योंकि हमारी जो पूरा अगला साल है उसका फैसला जो है ना वो इन्हीं दिनों किया जाना है अच्छा अगर किसी के लिए कुछ तकदीर में सख्ती आ गई वो भी आ गई वो लिख दिया आ गया अब हमारे पास टाइम होता है कदर तक हम अपने रब के आगे दुआएं मांग के जो तकदीर मोलक जिसको कहा जाता है एक तकदीर मुतलक है ठीक है और एक मोलक है।, है कि जो दुआओं से हमारी कोशिशों से अः अल्लाह तला उसको कर देता है क्या कहना चाहिए कि उसका फैसला होता है हमारे अमल के ऊपर और एक वो तकदीर है कि जो अटल है तो हमारी दुआएं हमारी कोशिशें हमारी इबादतें और हमारी फर्मा बरदारियां सिर्फ और सिर्फ रब के लिए फर्मा बरदारी ये सब कुछ जो है इन सब की जो हमारी कोशिशें हमारी फर्मा बरदारी हमारा अपने रब के आगे रजू करना ये सब फिर जो हमारे वो जो हमारी जो फाइल थी वो जो आसमानी दुनिया तक आई थी उसमें बदलाव का सबब बन जाता है ठीक है बात समझ में आ गई कि ये रात इतनी अहम क्यों है इस रात हम क्यों इतना कहते हैं कि हम रोए रब के आगे और हम किसी रात क्योंकि देखे हम इंसान है ना कुताहिया तो हमसे होती है सुबह से शाम तक हमारी नीयतें भी इधर उधर हो जाती हैं और दिलों में भी हमारे बदगुमानी आ जाती है, और हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द वाले बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो तो हमसे दुख गए और हमें पता ही नहीं चला तो हमें तो नहीं पता ना कि रब की किस किस मखलूक का हमने दिल दुखा दिया तो वो जिसकी मखलूक है हम तो फिर उसके पास ही जाएंगे ना तो उसी से माफी मांगेंगे तो हमने अपने आंसुओं से अपनी रूह को गुसल देना होता है अपने रब के हजूर तही दामन खाली हाथ चले जाना पता नहीं वो मालिक है जो पूरा साल हमने अपनी तरफ से जो इबादतें की थी पता नहीं कोई रिया कोई दिखावा कोई दिल का नफाक उन इबादतों को तिनके से भी हल्का कर दिया, और हम इसी पे जोम लगाए बैठे हैं कि मैंने तो एक साल में इतने उम्र कर लिए हज भी किया था मैं तो इस साल मेरा जबरदस्त ईमानी और इबादत के लिहाज से तो ये साल ही मेरा बड़ा अच्छा था तो बस मैं तो बख्शी कही नहीं पता नहीं पता वो रब तो जब नवाजता है जब देता है तब भी इंसान आजमाइश में होता है अच्छे दिन ज्यादा बड़ी आजमाइश है क्योंकि उन अच्छे दिनों में हम गाफिल हो जाते हैं रब से हमें ये लग रहा होता है कि जो अल्लाह की हम पे हुई है ये हमारी बड़ी अक्लमंदी और जबरदस्त प्लानिंग थी जिसकी वजह से ये सब अल्लाह ने हमें नवाजा है और हम बहुत अपने अक्ल दानिश के ऊपर अपनी सोचों के ऊपर बहुत घुमांड कर रहे होते हैं और हम मजे में दर हकीकत हम ज्यादा आजमाइश में जबकि जो बाज़ाह आजमाइश है किसी पे बुरा वक्त चल रहा है और वो मुसीबत में है वो तकलीफ में है वो तो हर वक्त अल्लाह को याद कर रहा है उसकी आजमाइश छोटी है क्योंकि वो तो याद कर रहा है रब को और वो जो गफलत में पड़ा हुआ है और अल्लाह कहता है कि तुम अचानक आ लेगी तुम्हें मौत नहीं पता नहीं पता कि कब आ जाए इसलिए हम दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह देखिए ईमान की हालत स्टेबल नहीं है एक जगह पे नहीं रहती कभी ये बहुत जबरदस्त ऊपर होती है और कभी ये नीचे ये घटती बढ़ती है इसलिए हम दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह हमें ईमान की बेहतरीन हालत में वापस दे अभी हम अच्छी सी महफिल से के बैठे हुए हैं हमारे दिल बड़े अच्छे हुए और ईमानी हालत का बहुत ऊपर गई हुई है फिर कभी ऐसे होता है कि दुनियादारों की महफिल आ जाती है किसी ने किसी रिश्तेदार ने दिल दुखा दिया कहीं झगड़ा फड्डा कुछ हो गया किसी ने ज्यादा कर दी और हम दिल में पूरा एक भावड़ मचा के बैठे होते हैं और बस ना माफ करने को तैयार होते हैं दूसरे को क्योंकि हमें तकलीफ बड़ी पहुंची होती है हम कहते हैं मुझे टाइम दो अभी मैं नहीं माफ कर सकती ये वो मतलब हम बड़े ईमानी लिहाजे बड़े नीचे गए होते हैं और अगर उस वक्त बुलावा आ गया फिर या फिर कोई ऐसी नाफरमानी की अल्लाह की नाफरमानी की ऐसी महफिल में हम चले जाते हैं कोई ऐसी तकरीब शादी ब्याह कुछ भी हम बच्चों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो इसलिए हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जब अच्छी हालत है बुलावा उसी वक्त है क्योंकि जो बुलावे का टाइम है कहते हैं ना रोजे महर जिस कैफियत में गए थे तो उसी कैफियत में रोजे महर हमने उठाया जाए तो मकसद ये है कि ये जो इस तरह के जब दिन आते हैं तो जो ईमान वाले हैं जो हमारे साथी होते हैं वो जब एक ग्रुप की शक्ल में हम चल रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ये फ्रेंड्स के मैसेज आने लग जाते हैं कि हमें कोई इबादत बताएं हमें कोई नवाफिल बताएं, ऐसी रातों में हम क्या नफल पढ़े हम क्या इबादत करें तो हमारे उस्तादों ने हमें बताया तो उन्होंने कहा कि बस जो भी इबादत कर लो वजन से कर लो मोहब्बत से कर लो मोहब्बत के बगैर इबादत ना कर भले थोड़ी देर करो लेकिन यकसू हो जाओ दुनिया से कट जाओ वो मुजम्मल में अल्लाह ताला कहता है ना कि बिल्कुल कट के दुनिया से कट जाओ बस भले वो थोड़ी देर की इबादत हो और पूरी रात की इबादत है फटाफट सजदे दिए जा रहे हैं और एक दफा भी दिल जुड़ा ही नहीं अल्लाह के साथ तो ऐसी इबादत का कोई फायदा नहीं ऐसे नवाफिल ढेरों ढेर जितने भी पढ़ लें जितनी दफा भी पढ़ लें जितनी दफा भी फातिहा पढ़ लें सौ सौ दफा भी पढ़ लें जब दिल ही नहीं जुड़ा तो मुझे बताएं उसमें एक वजन कैसे बताए तो इबादत हमेशा वही है जिसमें दिल जुड़ जाए और दिल के जुड़ने पर ही मेहनत है सारी की सारी मेहनत जो है वो इसी पर है और इसी पर हमारा फोकस होना चाहिए इबादत से अगर दिल नहीं बदला तो उस इबादत का कोई फायदा नहीं है अगर इबादत जो है उससे खुशियत इलाही पैदा ना हो दिल में सोजो गुदाज पैदा ना हो, आंखों में नमी ना आए तो उस इबादत का क्या फायदा उठाए मुझे इबादत जो है ना इसका इसका जो मफहूम है वो हमें समझ लेना चाहिए कि इबादत दरअसल अल्लाह के साथ वो एक मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो जाए हजूरी की कैफियत मिल जाए बस यही इबादत असल इबादत यही होती है इल्म से दिमाग में सोच में बड़ी वसत पैदा हो जाती है और इलम की रोशनी जो है इसमें बड़ी चकाचौंध होती है और इलम की रोशनी से क्या होता है हमें सब कुछ वाजिया नजर आने लगते हैं अपने इर्द गिर्द वाले सारे गुनागार लगते हैं हमें सारे ऐबदा हम कहते हैं वो भी नहीं ठीक वो भी नहीं ठीक वो भी नहीं ठीक ये इलम है हुँ? और मोहब्बत क्या है मोहब्बत जो है इबादत का एसेंस मोहब्बत है और अगर मोहब्बत होती है तो फिर क्या होता है फिर कोई नजर ही नहीं आता फिर तो रब ही रब नजर आता है वो कहते हैं ना कि कोई शख्स नमाज पढ़ रहा था तो उसके आगे से एक दीवाना गुजरा तो उसने उसको बुला के डांटा उसने कहा देखो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ से गुजर है उसने कहा कि ये नमाज क्या है उसने कहा मैं अपने रब के हजूर खड़ा हूँ उसने कहा तुम अपने रब के हजूर खड़े हो तुम्हें मैं कैसे नजर आ गया मैं तो अपने महबूब के सोचो में ऐसा मस्त गुम फिर रहा हूँ कि मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि कोई रब के हजूर खड़ा हुआ है मुझे तो पता ही कोई नहीं है तो तुम कैसा खड़े हो तो मतलब आप देखे ना फिर हमारी नमाजें हम रब के हजूर खड़े होते हैं लेकिन हमें पूरा पता होता है घर में के कौन से कमरे में क्या हो रहा है हमारे दिमाग तो सब तरफ चल रहे होते हैं और बस इबादत जो है ना अगर ये रट्टी रटाई है और मोहब्बत के बगैर तो पूरी शब की इबादत भी बस ऐसे ही है कि आप पूरा ऊपर से एक रेन कोट पहन के बारिश में भीग आए फिर ना तो कदर जो है वो दिल को बदलेगी ना ही शब कदर और ना ही शब बार फिर कुछ भी नहीं बदलेगा हाँ नेकिया हम इकट्ठी कर लेंगे और नेकियों का अजर भी हमें मिलेगा लेकिन जो रब मिलता है ना रब ऐसे नहीं मिलता रब मोहब्बत के बिना नहीं मिलता अगर ऐसा होता तो वो अमाम अमाम अहमद बिन हम्बल थे ना कितने बड़े आलम थे तो फिका के भी आलम थे बहुत बड़ा उनका रुतबा है मामों में तो बशर हाफ़ी उसी दौर में थे तो बशर हाफ़ी एक दीवाना लोग उनको समझा करते थे अपने दौर में तो अमाम अहमद बिन हम्बल जो थे वो बड़ी इज्जत करते थे बशर हाफी की और वो जाते थे उनसे मिलने और बहुत उनका एहतराम किया करते थे तो लोगों ने अमाम से पूछा कि अमाम आप तो इतने इलम वाले हैं और ये तो एक दीवाना से आप क्यों इसके पीछे पीछे फिरते हैं तो अमाम अहमद बिन हब्बल ने जवाब दिया कि जिस अल्लाह के बारे में अहमद बिन हम्बल ने पढ़ा है ना बशर हाफी ने उस रब को देखा है तो बस इबादत यही है कि रब नजर आने लग जाए रब की पहचान हो जाए और मौलाना रूमी जो थे वो थोड़े बड़े आल, आलम थे कितने बड़े आलम थे और जब उनको शम्स अः मिले शमस्त ब्रेजी तो वो कितना उनकी पीछे आगे पीछे दीवाने हो गए सब छोड़ दिया क्यों शब्रेजी को आलम दीन तो नहीं थे लेकिन मोहब्बत थी उनके पास तो, और मोहब्बत और मोहब्बत जिसके पास होती है ना फिर वो क्या कहना चाहिए कि बस फिर वो उसको शरा सदर नसीब हो जाती है शरा सदर मोहब्बत के बगैर नहीं मिलती अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरानी में अल्लाह कहते हैं नजुल अल्लाह अपने बंदों को अंधेरों में से निकाले नूर की जानी तो मतलब क्या हुआ कि हम सब अंधेरों में हैं और जिससे अल्लाह की दोस्ती हो गई जिससे मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो गया फिर उसको नूरे मार्फत मिल जाता है और नूरे मार्फत ही असल एसेंस है इबादत का अगर इबादत करने के बाद रब का कुर्ब नसीब नहीं हुआ दिल में सोजो गुदाज पैदा नहीं हुआ तो बस फिर आप समझ लें कि अभी हमें थोड़ी जरूरत है मेहनत करने की अगर हम इबलीस को देखें तो जो अल्लाह तला ने अभी हमने हदीस पढ़ी है कि जिसके दिल में बोगज़ है वो आ, इस रात भी बख्शा नहीं जाएगा और रब की मोहब्बत का दावा हम करें और रब की मखलूक से हम बोग रखें बोगज एक नॉर्मल यानी आप देखें ना लाइफ में आ जाता है एक दूसरे के लिए लेकिन क्या है कि जब शरा सदर नसीब हो जाती है ना तो जो ही बुगज अंदर आता है तो ही हमारे दिल में घबराहट शुरू हो जाती है हम परेशान होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने दिल को फौरन पाक करें हम फौरन अल्लाह से रजू करते हैं अल्लाह से माफी मांगते हैं तो मतलब ये हर वक्त की है हर वक्त की लड़ाई है ये ऐसे ही है कि कमरे की खिड़की खुली हुई है बाहर का जो मौसम है उसके असरा अंदर आने ही आने हैं बारिश होगी बाहर तो अंदर छीटे आएंगे बाहर धूप है तो खिड़की से धूप आएगी असरात होते हैं इस दुनिया में जो रह रही हैं दिल के ऊपर असरात आने हैं नेगेटिव चीजें आनी आनी है ऐसा नहीं है कि जो कि अल्लाह की तरफ चल पड़ा फिर वो पाक हो गया ऐसा नहीं है इम्तिहान उसके भी चलते रहते हैं चलते ही रहने होंगे ये नहीं हम कह कि हम अगर दीन को सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो अब हम पाक हो गए नहीं हम तो और इम्तिहान में चले गए क्योंकि अब तो हम सारा दिन सफाइयों में लगे रहते हैं सारा दिन कोशिशों में लगे रहते हैं और अल्लाह ताला इन बरकत रातों की कोशिशों में हमें इस तकामत दे हम जुड़ जाए अपने रब के साथ हम ज, हमारे दिल जुड़ जाए और हमें सही मानों में शरा सदर नसीब हो जाए और हमें अल्लाह की जो मार्फत है वो मिल जाए अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए और हम उस मोहब्बत को फैलाने का सबब बन जाए आमीन सु आमीन अब कोई कलाम सुनाए और उसके बाद फिर हम दुआ करेंगे ठीक है अल्लाहु रहमतुल्लाह व वालेकुम अस्सलाम जी क्या हाल है जी कैसी हैं अल्लाह का शुक्र लुगना आप बताएं आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र में मैं नाच पढ़ना चाह रही हूँ जी बिस्मिल्लाह اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل

अब ना समझे कोई मुफली से जिंदगी अब ना समझे कोई मुझे को इश के इस कदर मिल गया जग ना न क्यों मेरा अक से डरू जग मगा न क्यों मेरा अक से डरू मुझे पत्थर को आई नगर मिल गया महबर दो जहां ज़र सरकार की और मेरी है सियत एक पुरकार की महवर दो जहां ज़ सरकार की और मेरी है सियत एक पुरकार की उनकी एक राह गुजर तैना हो उम्र भर उनकी एक राह गुजर हो उम्र भर आरज़ू तो मगर मिल गया उनका दीवाना हूँ कमजूब हूँ क्या ये कम है कि मैं उनसे मनसूब हूँ उनका दीवाना हूँ कमजूब हूँ क्या ये कम है कि मैं उनसे मनसूब हूँ सरहदे हशर तक जाऊंगा बेख़तर सरहदे हशर तक जाऊंगा बेखर खतर मुझको इतना तो जादे सफर मिल गया जब से मुझ पर हुआ मुस्तफ़ा का करम बन गया दिल मुजफ्फर चरा हरम जब से मुझे पर हुआ मुस्तफा का करम बन गया दिल मुसाफर चरा हरम जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया फली से जिंदगी अब ना समझे कोई मफली से जिंदगी अब ना समझे कोई मुझ को इश के नबीस कदर मिल गया है फिल पे चादर तनी नूर, नूर फैला हुआ जीरात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहा कौन जलवा नुमा चीरात है इस तरफ नो रहे है ओस तरफ नो रहे है सारा लम मुसरद से मामो रे है जिसको देखो वही आज मसरो उठी फिजा जगी है अब रे रहमत है मह पिल बाबे रहुला जिकीरा है चांदनी में है डोबे हुए दो जहाँ कौन जलवा नुमा जिकीरात है मांग लो मांग लो चषे में तर मांग लो दर्द दिल ओ रे हुसने नजर मांग लो सब के साए के घर मांग लो मांगने का मजा जीरा है नूर महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ की रात है اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والمباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطح معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر التجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عزمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين. امام القبلتين وسيلتنا في الدارين ساحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما